लाए ना जी। हाँ संजय भाई, जैसा कि आपने वादा किया था, मैं आपका 2 मिनट का इंटरव्यू करना चाहता हूँ। अभी तक दिखाइए, इनको दिखाइए। ठीक है संजय भाई? हाँ हाँ ठीक है। मैंने आपको बताया था कि नया चैनल शुरू किया रूट सिंह कानपुर, इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप किसी भी सवाल का जवाब आप ना देने के लिए स्वतंत्र है, और अपने मन से बेबाक बेबाक हमारा चैनल है कि अपने मन की बात इसमें की जाएगी जो हमको अच्छी लगे। तो जैसे मैं कानपुर में घूमा करता हूँ संजय जी, तो मैं देखता हूँ अधिकांश लोगों के बच्चे जैसे बाहर है, तो मैं खुद भी उससे गुजर रहा हूँ। तो अब जैसे छोटे छोटे परिवार होते हैं और बच्चे सबके बाहर चले जाते हैं, पेरेंट्स ही यहाँ रह जाते हैं, इस बारे में आपके अगर कुछ विचार हो तो व्यक्त करिए। नहीं, ये बात तो आपकी सही है कि अब छोटा परिवार होने लगा, बच्चे बाहर हैं, तो कुछ मतलब परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जिम्मेदारी पूरी ज्वाइंट फैमिली नहीं रहती है, जॉब अपॉर्चुनिटी पूरी जिम्मेदारी घर की स्वयं पे आ जाती है, दो प्राणी होकर पूरी जिम्मेदारी घर की निभानी पड़ती है। बच्चे दूसरी जगह रहते हैं तो पेरेंट्स को जाहिर तौर पर चिंता भी बच्चों की रहती है। हाँ, तो इसका आपने जैसे मतलब कोई हल सरकार का मतलब कुछ प्रशासन से या मतलब कुछ किया जाए जिससे इस समस्या से कुछ हद तक राहत मिल सके? नहीं, इस समस्या जब जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें उसमें तो बरसों लग जाएगा ऐसा। हाँ, तो ऐसा तो नहीं संभव है, फिलहाल करने से भी कुछ नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है, तो इसलिए प्रयास करने से भी कोई हल नहीं निकलना है। हाँ, तो ये तो एक यूनिवर्सल समस्या जैसी है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मान लीजिए और जैसे मेरे एरिया में संजय वन एक है जगह है, जैसे आपके घर के सामने एक पार्क है, अब ये पार्क तो क्यारी बना हुआ है तो ये भी अच्छी चीज है, लेकिन जो मेरे यहाँ संजय वन है वो मतलब जंगल का लुक देता है, तो मैं कई बार जाता हूँ तो जिस समय मतलब लोग नहीं आए होते हैं तो उस समय उसको बहुत अच्छा लगता है, जंगल का जैसे बिल्कुल शांति मिलती है। तो कुछ आप मैसेज देना चाहे कि लोग प्रकृति की शरण में रहें ताकि बरसात भी हो जाड़ा में तो उसमें थोड़ा अच्छा भी लगेगा, कि जैसे हम लोग आपा ढापी में बिजी रहते हैं इसके बजाय जो है थोड़ा सा नेचर नहीं, जैसे एज के अनुसार आदमी को थोड़ा सा इसमें समय देना चाहिए कि थोड़ा सा अपने को एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए कि सुबह शाम मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक थोड़ा सा करें और ऐसा प्रयासरत रहें कि जिससे कि अपने बॉडी को एक्टिव रख सकें। धन्यवाद संजय जी, मेरा वादा था कि मतलब मुझे इसमें छोटे ही वीडियो रखने हैं ताकि मतलब आजकल बिगर इज बेटर नहीं, इसके बजाय स्मॉलर इज बेटर हो, क्योंकि मेरा अपना सोचना है कि छोटी चीज आदमी सुन भी लेगा देख भी लेगा और कह भी सकता है। तो साथियों, ये आज अब मेरी तरफ कर दिए, ये आज का हमारा वीडियो था जो समसामयिक विषय में संजय जी ने मुझे वक्त दिया, तो इसको जो है मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देखिएगा हमारे चैनल रूट सिंह कानपुर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको नए वीडियोस मिलते रहे।